रानी थाना परिसर में एसडीएम रविकांत सिंह के सानिध्य में सीएलजी एवं जन सहभागिता समिति की बैठक का आयोजन कर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार त्योहारों को सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। एसडीएम रविकांत सिंह ने प्रताप बाजार व मेन बाजार की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहे अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही दुकानों के बाहर सामान और बोर्ड नहीं रखे अन्यथा जब्त किए जाएंगे। थानाधिकारी हिंगलाज दास ने कहा कि इसको लेकर यातायात सद्भावना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस व पालिका प्रशासन द्वारा समझाइश की जा रही है। उसके बाद भी नाली के बाहर रखे सामान को जब्त किया जा रहा है। बैठक में मेन बाजार में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर रानी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष घिसुलाल चौधरी ने अवगत करवाया गया। इस पर एसडीएम ने शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया। अधिशासी अधिकारी दीन मोहम्मद ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है, सभी मास्क लगाकर सोशल दूरी का पालन करें। उन्होंने दोनों बाजारों की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए व्यापारियों से पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर पार्षद सुनील बैरवा, इलियास सड़वा, ललित सोनी, इश्ताक आपरेदी, इंतजार अली, बशरुद्दीन सड़वा, प्रेम बुनकर, जय सिंह राजपुरोहित, नगराज वैष्णव, गमनाराम चौधरी सहित अन्य व्यापारीगण इस बैठक में मौजूद रहे।